भारत पर अमेरिका दबाव बना रहा है। मोदी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस बीच में अमेरिका भारत पर जो दबाव बना रहा है वो दबाव भारत के लिए ऐसा है जैसे दोनों हाथ में लड्डू। अमेरिका और चीन के टकराव से भारत कहीं ना कहीं बड़े फायदे में है। दोस्तों MQ-9 प्रेडिटर जो खतरनाक एडवांस ड्रोन है अमेरिका का, ये भारत पहले लेना चाह रहा था अमेरिका से, लेकिन इसकी बातचीत पूरी तरह से थम गई थी, रुक गई थी। लेकिन चीन का जब अमेरिका से टकराव हुआ और भारत का रूस से दोस्ताना बढ़ा तो अमेरिका को टेंशन हो गई कि भारत पड़ोसी है चीन का और चीन का दुश्मन है। इस वक्त चीन और भारत की लगी हुई है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस क्रोनोलॉजी से भारत को अपने पाले में करने की कोशिश करने लगा अमेरिका कि इसको हम हथियार भी देंगे और इसी के ज़रिए हम चीन को डराएंगे भी, मतलब भारत को एक तरह से मोहरा बनाएंगे जैसे यूक्रेन को बनाया है अमेरिका ने। तो MQ-9 प्रेडिटर जो ड्रोन है वो बंद हो गई थी, उस पर बातचीत हो ही नहीं रही थी। तो अब जब मोदी जाने वाले हैं तो अमेरिका पुश कर रहा है उस डील को दोबारा से कि किसी भी तरह से भारत इस डील को लॉक कर ले और भारत अमेरिका का खतरनाक ड्रोन ले ले। अब इसमें भारत का भी फायदा है। उस ड्रोन की खासियत ये होगी कि उस ड्रोन से चीन के ड्रोन को मार कर गिराया जा सकता है। चाइना के पास ऐसा खतरनाक ड्रोन फिलहाल नहीं है और भारत को ड्रोन की ज़रूरत ज़्यादा है चीन से टकराव में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ड्रोन ही काम आएगा। उम्मीद यह है कि भारत इस बार डील ये पक्की कर लेगा। लेकिन भारत अगर अमेरिका से हथियार लेगा तो चीन भिदक सकता है और अमेरिका को यह गलतफहमी हो सकती है कि भारत हर तरह से उसके साथ है। जैसे यूरोप का अलग अलग संगठन है, यूरोपीय यूनियन, नेटो, ऐसे ही चीन ने एक अपना ग्रुप बनाया है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, GSI। इसमें शामिल वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को करना चाहता है। भारत के पड़ोसी नेपाल पर भी चीन ने प्रेशर डाला था कि आप हमारी इस टीम में शामिल हो जाइए, इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। हालांकि नेपाल ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए इनकार कर दिया है। उधर बड़ी खबर यह है कि इसी हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे पर जाने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात करी, तो ऐसे में चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को फिर से लताड़ लगाई, कहा कि ताइवान हमारा घरेलू मैटर है, घरेलू मैटर पर बात ना करे, इंटरफेयर अमेरिका ना करे और चीन की इज्जत करे। अब देखते ये हैं कि चीन के इस खतरनाक जलील करने के बाद क्या अमेरिका के विदेश मंत्री चीन पहुंचेंगे। लेकिन अमेरिका सच में एक दोगला देश है, सामने से वो रिश्ते ठीक करने की बात करता है और पीछे से छुरा घोंपता है। जैसे चीन से वो रिश्ते ठीक करने की चाहत दिखा रहा है लेकिन पीछे से उसने चीन के छुरा घोंपा है। अमेरिका ने चीन को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दिया हुआ था कि हाँ ये भाई तरक्की टॉप मोस्ट ऐसा ये देश है देशों में से जो सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अमेरिका के उस लेवल देने की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं वो ऐसे देश में पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा करने लगी थी। जब अमेरिका किसी को लेवल दे देता है कि हाँ भाई यहाँ तरक्की हो रही है और सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला ये देश है, तो दुनिया के बड़े बड़े बैंक उस देश में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अब उस स्टेटस को चिढ़कर अब चीन से अमेरिका ने वापस ले लिया है, जिसके बाद अब बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से पीछे हट रही हैं और अमेरिका ने कहा है कि हमने जो ये स्टेटस दिया था इनको कि हाँ भाई तरक्की करने वाला देश है, इससे चाइना गलत फ़ायदा उठा रहा था। चाइना दुनिया से पैसे ले रहा था और अमीर हो रहा था और उन पैसों को दूसरे गरीब देशों को उधार देकर उनको कर्ज में डुबाकर उनके साथ मनमानी कर रहा था। चेक रिपब्लिक की राजधानी पराग में ताइवान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वहां यूरोपीय यूनियन को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आप चीन को समर्थन देना पूरी तरह से बंद करें और ताइवान के समर्थन में उतर जाएं
और हमारा साथ दें। उधर पाकिस्तान और रूस के बीच लगातार अब ट्रेड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखाना चाहता हूं मैं, ये देखिए, अभी कल मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल ईंधन भेजा है रूस ने, और अगले दिन आप देखिए कि ज़मीनी रास्ते से रशिया ने भारी मात्रा में LPG गैस पाकिस्तान को भेज दिया है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता हिना रब्बानी बड़ी बात कही। हिना रब्बानी ने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान व्यापार यानी बिजनेस का वेलकम करेगा, हम करना चाहते हैं उनके साथ काम, लेकिन मोदी सरकार से हमारे रिश्ते पूरी तरह से बेकार हैं और मोदी के रहते हुए हम भारत के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते। उधर दोस्तों IMF पाकिस्तान पर बुरी तरह से भड़क गया है, नाराज़ हो गया है। पाकिस्तान ने अपना नया बजट पेश किया, उस नए बजट में महंगाई नहीं बढ़ाई, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए और किसी भी तरह का भारी टैक्स नहीं लगाया जनता पर, क्योंकि जनता पहले से मर रही है। ऐसे में IMF बुरी तरह से भड़क गया है, क्योंकि IMF चाहता था कि डीजल पेट्रोल पर टैक्स ज़्यादा बढ़ाए और इधर पाकिस्तान ने टैक्स लगाया ही नहीं। इस वजह से अब IMF भी अपने बेतुके शर्तों की वजह से खुद ही नाराज़ हो गया है, या उसको बहाना मिल गया है पाकिस्तान की मदद ना करने का। अब दोस्तों सबसे बड़ी खबर इस रिपोर्ट की, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई और मुझे अपनी पत्रकारिता पर शर्म आ रही है। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं कर पाता। पाकिस्तान के अब्दुल रहमान न्यूज़ वालों के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हो गया हूं, क्योंकि वैसी पत्रकारिता मैं नहीं कर पा रहा हूं। उम्मीद है मुझे कि आगे आने वाले 20-25 सालों में मैं ऐसी पत्रकारिता सीखूं और इसी तरह से पत्रकारिता करूं। आपके सामने पाकिस्तान के नए ताज़ा तरीन रिपोर्टर, जिनकी पत्रकारिता से पूरी दुनिया में सैलाब आ गया है। इस वजह से आज भी समंदर इतना गहरा है कि मेरा कैमरामैन आपको बताएगा कि किश्तियों वाले उस पे किश्तियां यहाँ खड़े कर चुके हैं और उन्होंने अपना काम रोजगार बंद कर दिया है। अभी मैं आपको पानी में कूद के बताऊंगा, पानी में कूद के मैं आपको पानी का पूरा आपको बताऊंगा कि पानी कितना गहरा है और कितने नीचे तक जाना पड़ता है। मेरा कैमरामैन आपको बताता चलेगा, जैसे कि नाज़रीन आप देखते रहे कि ये गहरा पानी, आज जितना पानी दे रहा है और पानी की शिकायत इतनी हो गई है कि यहाँ पे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए पानी की लहर इतनी हो गई है कि यहाँ पर आज भी लोगों को तूफान का मसला चल रहा है। और मैं आपको किश्ती के पास चल के बताता हूँ कि ये किश्ती की लहर देखे आप, और थोड़ा सा आवाम आपको नजर आ रहा होगा, पब्लिक यहाँ पर चल रही है और मेरे साथ यहाँ पर कैमरामैन आपको बताएगा कि पब्लिक बैठी हुई है। और यहाँ पर जो मसले मसाइल हो रहे हैं उन मसाइल का यही हल है कि पानी कितने देर मैं क्या बताऊं। वहीं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं वो फेल हो गए हैं ये साबित करने में कि उन पर हमला हुआ था। एक बंदे के टांग में गोली लगी, कई जगह वो जख्मी हुआ, जानलेवा हमला हुआ और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ, और अब कहा यह जा रहा है कि वो साबित नहीं कर पाया। शेल कंपनी है लोगों, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, पाकिस्तान में भी काफ़ी भारी भरकम इसका कारोबार है। इसने फैसला लिया है कि पाकिस्तान में अपना ये सारा जो बचा कुचा माल है, बचा कुचा प्रोडक्ट है, बेच कर पाकिस्तान छोड़कर निकल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। ग्रीस के पास एक नाव पानी में डूब गई जिसमें पाकिस्तानी और अफगानी लोग मौजूद थे, जिसमें 78 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अभी भी लापता हैं। Εντάξει, δεν πειράζει. Προς Θεού και εγώ, ωραία. Ναι, μπράβο, ωραία. Δεν μένω εγώ σε αυτά. Ωραία. Εντάξει, Νικό. Αυτά τα, κι αν έχεις παραπάνω, εσύ επειδή είσαι στο Υπουργείο, αν μαθαίνεις κάτι παραπάνω, να παρεθούς. Δόστο, Μιράζ 2000, το fighter jet, το Κατάρ ιστεμάλ καρτσουκάθα, το used, yani second hand, Μιράζ 2000 fighter jet. 800 million dollar के वो फाइटर जेट सेकंड हैंड इंडोनेशिया
ले रहा है। दोस्तों इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की वो तमाम खबरें आपको मिल सकें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। जय हिंद।